हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो ये रेसिपी है आपके लिए। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बर्फी। और ये कोकोनट बर्फी हम बिल्कुल इंस्टेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कंडेंस्ड मिल्क। ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने घर में ही बनाया है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमने लिया है अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। इसके अलावा इस बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए ये नारियल का बरूदा। इसे हम डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं, नारियल का बरूदा भी बोलते हैं, नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, आपको इस तरीके से नारियल का ड्राई पाउडर आपको यूज करना है। ये इजिली किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पैकेट्स की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टोटल 100 ग्राम। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर के नाम से ये आपको इजिली सुपरमार्केट में मिल जाएगा। तो टोटल 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, 200 ग्राम हमारा कंडेंस्ड मिल्क और हमारी इंस्टेंट बर्फी तैयार। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है। आप कोई भी प्लेट या ट्रे जिसमें भी आपको बर्फी को सेट करना है वो ले लीजिए और उसको ग्रीस कर लीजिए घी या ऑयल की हेल्प से। तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। ये बर्फी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे बनानी है। तो पैन को थोड़ा हीट होने देते हैं। पैन हमारा हीट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क हमारा मेल्ट होना चालू हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर। टोटल 100 ग्राम कोकोनट पाउडर डालना है इसमें हमें। अब हम कोकोनट पाउडर को कंडेंस्ड मिल्क के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार हमारा कोकोनट पाउडर कंडेंस्ड मिल्क के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो बस 2 मिनट की कुकिंग पे हमारी बर्फी बनके हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो बिल्कुल इंस्टेंट बर्फी है। आप भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कोकोनट पाउडर को कंडेंस्ड मिल्क के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे कुक करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो हमारी बर्फी बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम कर लेंगे ऑफ और जो हमने ट्रे ग्रीस करके रखी थी उसमें हम इसे कर लेते हैं सेट। मार्केट में कई ब्रांड्स के कंडेंस्ड मिल्क अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको घर पे ना बनाना चाहें तो आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो कंडेंस्ड मिल्क लेना है वो स्वीटेंड होना चाहिए। तो हमने बर्फी को इस प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसको एक जैसा इस प्लेट में फैला लेते हैं। तो हमने अपनी बर्फी को अच्छी तरीके से प्लेट में सेट कर लिया है। अब आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उससे आप इसको गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ता का यूज कर रही हूँ। इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे सेट होने में। उसके बाद हम इसके पीसेस काट के तैयार कर लेंगे। पिस्ता को थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से हम प्रेस कर लेते हैं ताकि जब हम इसके पीसेस काटें तो ये बिल्कुल इसके साथ सेट रहें, नहीं तो ये अलग अलग रहेंगे तो गिर जाएंगे। तो अब हम कर लेते हैं अपनी बर्फी को काट के तैयार। बर्फी के पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़े छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं। शेप पीस की आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ। आपको जो भी शेप पसंद हो आप बर्फी को उसी शेप में कट करके सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी नारियल की बर्फी, नारियल की इंस्टेंट बर्फी बिल्कुल बनके तैयार है।
तो अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। इसी तरीके से हम और पीसेस निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।